पूरा देश रंगों में सराबोर है। इस मौके पर देश की सरहद की रखवाली में जुटे जवान कैसे होली मनाते हैं और कैसे बॉर्डर की निगहबानी करते हैं, ये एक सवाल है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की चौकस निगरानी करने वाले बीएसएफ के शूरवीरों के होली का रंग कितना जोरदार होता है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त सरहद पर हम पहुंच चुके हैं बीएसएफ के साथ होली मनाने। बॉर्डर वाली होली, जी हां, देश की सुरक्षा में लगातार अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं ये लोग और इनकी वजह से हम होली मना पाते हैं। पहुंच चुके हैं 192 बटालियन बीएसएफ आरएसपुरा जम्मू में, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक। तो होली है, आप सुन सकते हैं म्यूजिक भी, पूरा माहौल भी तैयार है और यहां पर बीएसएफ के जवान सभी लोग तैयार हैं, इनके अधिकारीगण तैयार हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 भारत माता के, होली है। ये वर्दी देखिए आप, इस वर्दी में साहस है, इस वर्दी में जोश है। देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी कोने में हम रहते हैं, इनकी बदौलत हम भी बिल्कुल जोश से लबरेज रहते हैं, भरे रहते हैं और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें और कमांडेंट अमरवीर सिंह जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, आइए इनके इनको हम इनवाइट करते हैं और इनके जरिए हम होली का श्री गणेश करते हैं। रंग अबीर सब कुछ तैयार है, हम चाहेंगे कि अपने साथियों को भी बुलाएं और सबको गुलाल लगाएं और इस प्रोग्राम को शुरुआत करें। तालियां, जोरदार तालियां अपने कमांडेंट के लिए। और मेरे सभी देशवासियों, कर्मठ सीमा सैनिकों को मेरी तरफ से आपके परिवारों को बहुत बहुत रंगों के पावन त्यौहार होली की शुभकामनाएं। आइए होली की शुरुआत करते हैं और एक डांस के साथ हम अपील करेंगे, हम कहना चाहेंगे और जो साहब भी मौजूद हैं, आप खुद ही कह दें कौन सा गाना चले जिस पर आप एक डांस करें, जो आप चाहें। तो देखिए, देशभक्तों के साथ हम मौजूद हैं तो देशवासी भी चाहें कि कुछ देशभक्ति गाना चले। समझिए, सिर्फ अपने भारत के लिए तो हम दिखाई रहे हैं लेकिन यहां से दुश्मन देश बिल्कुल पास है, वहां तक आवाजें जा रही होंगी, इसलिए भारत माता की वंदे वंदे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग इतनी जोर से बोले कि ये आवाज जो है सरहद के उस पार तक जाए कि हम होली यहां मना रहे हैं अपने वतन में, लेकिन आवाज नापाक पाकिस्तान तक जाए। भारत माता की, भारत माता की। और हमारे साथ महिला जवान भी हैं और देख सकते हैं कितने खूबसूरत वर्दी में ये लोग खूबसूरत भी लग रही हैं और देश के आन बान और शान हैं, बहन हैं, बेटी हैं, माँ हैं। और देख सकते हैं गुलाल, होली का त्यौहार किस तरह से उमंग तरंग के साथ कदम से कदम मिलाकर, पुरुषों से एक भी कदम पीछे नहीं, बिल्कुल बराबर। इनको भी जरा गुलाल लगाते हैं और होली की तैयारी में थोड़ा दो कदम आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं भाई, मेरी तरफ से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और देखिए, कहा जाता है कि हमारी देवी माँ जरूर हैं लेकिन दुश्मन देश के लिए ये चंडी रूप हैं, काली माँ हैं। तो होली का मौसम है, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जोश उमंग बरकरार है और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तमाम जो परिवार हैं सरहद पर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर हैं, उनमें से देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ तो वर्दी पहने हुए हैं और कुछ लोग घरों में अभी अभी निकलकर इस फंक्शन के लिए आई हुई हैं।
मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के जमाने में लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, हम तो बराबर हर एक काम में, मतलब हर एक चीज में बराबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कहना चाहेंगी देश के लिए, कुछ गाना चाहेंगी? कुछ जोरदार तालियां भाई। कुछ कुछ गुनगुना दीजिए। गाना तो आता ही नहीं है। रंग बरसे गाना। चलिए चलिए लक्ष्मी जी और सुरेंद्र जी, मैं साथ में बोल लूँ। देखिए फुसफुसाहट भी चल रही है कि गाना क्या है, प्लानिंग ऐसे होती है। रंग बरसे भीगे चनर वाली से बरस, रंग बरसे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, बिहार झारखंड से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे जवान जो हैं होते ही होते हैं, और हमने भी ढूंढ निकाला है। सीधे ना बात करते हुए सीधे पूछता हूँ, और भोजपुरी में मैं भी पूछता हूँ, कहो भैया कालबा ऐसे ना कालबा, तो तनी कुछ हो जाए भोजपुरी में, का होई गाना तो थोड़ा गा के सुनाओ। भाषा कोई भी हो मतलब नहीं होता, भावनाओं को देखिए, शब्दों को देखिए, हर एक अलग राज्य से हैं, हर एक दूसरे जिले से हैं, लेकिन बॉर्डर पर आकर किस तरह से अपनापन होता है, भाईचारा होता है, प्यार होता है, ये हम देख रहे हैं आप। अब एक हमारे जवान हमारे साथ मौजूद हैं, यशुदास को आपने सुना होगा, अब जरा इनको सुनिए प्लीज। Thank you.
दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। जो रोज मिला करते हैं वो याद बहुत आते हैं, जो मिलकर बिछुड़ जाते हैं वो दिल में समा जाते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या ये दर्द कहाँ से ले आए भाई? अरे होली खेले रघुबीरा आवाज़ माँ, होली खेले रघुबीरा, करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाने कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा अवधे मा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवधे मा, होली खेले रघुवीरा, रामा के हाथे कनक पिचकारी, रामा के हाने कनक रे, सीता के हाथ वीरा अवधे मा, होली खेले रघुवीरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, अशकों में हुस्न रंग समोते रहे हैं हम, आंचल किसी का थाम के बैठे रहे हैं हम, कोई देखे तो ये ना समझे कि हम पिए बैठे हैं, लेकिन टूटेंगे तो भी देश के लिए खनक छोड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जवानों का हौसला बढ़ाया और सीमा पर आके आपने जवानों के अंदर, हमारा जोश तो हर वक्त बना ही रहता है, लेकिन आज आपके आने से जो जोश उनके अंदर देखा गया, उसे लगता है कि हमें और इन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बागने का है। Thank you.
तो उम्मीद करते हैं कि आप होली इस वक्त मना रहे होंगे। हमारी होली तो बहुत शानदार हो गई है क्योंकि हम सीमा पर मौजूद हैं, सीमा प्रहरियों के साथ, बीएसएफ के साथ। जोश, होश, सब कुछ बरकरार रखिए। होली का त्यौहार एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, और बस यही कहना चाहेंगे, खुश रहें, आबाद रहें, होली का त्यौहार ऐसे ही मनाते रहें अपने परिवार के साथ, और साथ ही दुआएं देते रहें इन सीमा प्रहरियों को, बीएसएफ के जवानों को। नमस्कार, आप देखते रहिए जी मीडिया, जी हिंदुस्तान। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सैनिक का एक ही फर्ज है, आखिरी सांस तक वतन की रक्षा करना। कोई त्योहार हो, खुशी का कोई भी मौका हो, दिन हो या रात हो, वो कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने देते। पूरा देश होली मना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरहद पर अघोषित युद्ध जैसे हालात के बीच पाकिस्तान की लगातार गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के सामने फौलाद बनकर खड़े रहते हैं बीएसएफ के जवान। आइए होली के मौके पर देखिए, त्योहार के मौके पर भी वतन का फर्ज जवानों के लिए सबसे बड़ा होता है। झूमते, नाचते, गाते होली का जश्न मनाते। रंगों से सराबोर बीएसएफ जवानों की होली है। चंदन सा महकता माहौल, गालों को रंगता गुलाल। यहाँ के रंगों में फागुन का रंग ही नहीं बरस रहा, ये देशभक्ति का रंग है। फाग के राग पर धूम मची है, ये रंग, ये मस्ती, ये हंसी ठिठोली हमारी और आपकी तरह ही है, लेकिन इन पर होली की खुमारी बिल्कुल भी चढ़ने वाली नहीं, क्योंकि इस जश्न में भी फर्ज की फिक्र है, क्योंकि इन जवानों के ठीक सामने है कायर दुश्मन, मक्कार पड़ोसी, हत्यारा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो सरहद पर बिलबिलाया रहता है, जिस आतंकिस्तान की बौखलाहट खत्म ही नहीं होती। वो शैतान, पड़ोसी गोलियां, बम, मोर्टार, मिसाइल दागता रहता है। दिन हो या रात, दुश्मन का गोला कब और कहां फटे कोई नहीं जानता। उस इलाके में देश के आखिरी किनारे पर, जहां खत्म हो जाती है मुल्क की सरहद, बॉर्डर पर मुस्तैद बीएसएफ जवान त्योहार के मौके पर कैसे रहते हैं? तो बिल्कुल इस वक्त जी मीडिया की टीम बॉर्डर पर मौजूद है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जम्मू आरएसपुरा में। और अब आपको दिखाता हूँ, सामने एक तस्वीर ये देखेंगे आप, अपने कैमरा पर्सन अजय से कहेंगे हम कि वो सामने की तस्वीरें दिखाएं। ये आपको खेत नजर आ रहे होंगे, और खेत के पास ये जो फेंसिंग है, बाउंड्री लाइन है, बिल्कुल ये जीरो लाइन है। कैसी होती है हिंदुस्तान के परम वीरों की होली? परिवार से दूर, अपनों से अलग, दुश्मन के सामने कैसे मनाते हैं बीएसएफ जवान जश्न? और ये देखिए, चेक पोस्ट पर आखिरी, जो हम बॉर्डर के बिल्कुल अपने, हम हिंदुस्तानी चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। होली की शुरुआत हो चुकी है और भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। 24 घंटे बीएसएफ जवानों के साथ जी हिंदुस्तान की टीम ने बिताए हैं। हमारे रिपोर्टर आशुतोष चतुर्वेदी को जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान कैसे दुश्मन की कायराना करतूत दिखी वो दिखाएंगे। शाम ढलने को है, बिल्कुल अंधेरा होने को है, और इस तरह से हम पेट्रोलिंग यूनिट के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकल चुके हैं। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक गोली वाली होली का ग्राउंड जीरो की पूरी पड़ताल की है हमने। जम्मू के आरएसपुरा में बने बीएसएफ कैंप पहुंचे जी हिंदुस्तान रिपोर्टर का कैसा माहौल था ये देखिए। Hallelujah.
हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, संध्या समय आरती की, धर्म की, अधर्म का, हर हर महादेव। ये आरती इस वक्त कर रहे थे और आरती आप देख सकते हैं कि शुरुआत यही पूजा के साथ हो रही है। होली का मौसम है, देश भर जो है देश की अगर बात करें, देशवासियों की बात करें, तो होली के त्यौहार में वो सराबोर एकदम बिल्कुल डूबे हुए हैं और आज यहाँ भी कुछ इस तरह का ही अद्भुत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। होली सरहद पर भी मनाई जा रही है लेकिन वहां रंगों में बारूद की दुर्गंध है। बीएसएफ के जवान होली तो मना रहे हैं लेकिन सरहद की निगहबानी में बगैर कोताही किए। घर परिवार अपनों से दूर पर्व के मौके पर भी किस कदर मुस्तैद हैं हिंदुस्तान के वीर सपूत, आइए देखिए। बीएसएफ कैंप में रोजाना आरती से दिन की शुरुआत होती है। ये होली का मौका है इसलिए भक्ति का रंग और गाढ़ा हो गया है। बहादुर जवानों ने आरती के बाद ऐसा जयघोष किया जिसे दुश्मन सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। बोला शंकर भगवान की जय, किशन भगवान की जय। सामने वाला कायर दुश्मन कांप उठता है। धर्म की जय, अधर्म का, हर हर महादेव। सभी जवान इकट्ठा होते हैं, ढोलक मंजीरे के साथ सब भगवान को याद किया जाता है, आरती गाई जाती है। लेकिन चूंकि होली का मौसम है, सीजन है, इसलिए थोड़ी विशेष यहाँ पर आयोजन किया गया है और सभी को देख सकते हैं आपकी इस तरह से दिनचर्या की शुरुआत होती है। अभी थोड़ी देर में हम होली भी खेलेंगे लेकिन इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम आज भगवान को याद करें और अपने दिन की शुरुआत करें। पूजा आरती के बाद बीएसएफ जवानों के होली खेलने का वक्त आ गया। टेबल पर गुलाल सजाया गया, सभी जवान कतारबद्ध हो गए। इंतजार था तो बस कमांडर के आदेश का। सबसे पहले कमांडर ने जवानों को गुलाल से तिलक किया और फिर होली की धूम मच गई। ये देखिए हमारे जवान है, खुशी से उछलते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश के असली शूरवीर वीर योद्धा यही हैं, क्योंकि ये हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं। न सिर्फ सरहद की हिफाजत करते हैं बल्कि हमारी हिफाजत करते हैं, यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, तब हम अपने घरों में महफूज रहते हैं। और गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान नापाक हरकत करता है, बिल्कुल यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन हमारे जो योद्धा हैं वो बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि पाकिस्तान को नाक को चने चबवा देते हैं, करारा जवाब देते हैं। फिल्मी तरानों पर जमकर धूम मची, फिर जोगीरा होली खेले, रघुवीरा की भी तान छिड़ी। देख सकते हैं इनके खुशियों का ठिकाना नहीं है, निश्चित तौर पर ये देश की हिफाजत करते हैं और जैसे मौका मिलता है किस तरह से अपने फेस्टिवल को, अपने ट्रेडिशन को बनाए रखते हैं और बॉर्डर पर ही सही, बॉर्डर पर मौजूद होकर अपने त्योहार को मनाते हैं इस तरह से। ये है असली वीर योद्धा, ये है असली हिंदुस्तानी, हमारे देश के आन बान और शान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। होली की मस्ती यही खत्म हो गई, अब बीएसएफ जवान निकल पड़े फर्ज के वास्ते तैयार होने। देखिए वतन पर मर मिटने वालों का ये अवतार, बदन पर वर्दी सजी है, हाथों में हाईटेक हथियार है और इनके इरादे दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले हैं। बीएसएफ के ये वीर दुश्मन की हर हरकत की निगरानी करने के लिए निकलने वाले हैं। कमांडर जवानों को ड्यूटी पर क्या क्या सावधानी बरतनी है उसे बताते हैं और फिर जवानों का काफिला कूच कर जाता है। और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैद रहते हैं और दुश्मन पर निगाह बनाकर रखते हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस, और किस तरह की तैनाती होती है ये भी आप देख लीजिए। बीएसएफ के जवान जो है मुस्तैद रहते हैं, ये देखिए बिल्कुल एक छोटी सी जाली है, वेंटिलेटर वो बनाया जाता है, और ये जो शीशा देख रहे हैं दरअसल ये कांच बुलेट प्रूफ है। यकीन मानिए भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर वो तस्वीरें देखने को मिली जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था।
सबसे पहले बीएसएफ कैंप में बने वॉच टावर से बॉर्डर का पूरा नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये व्यू पॉइंट है, सामने पाकिस्तान है और पूरी तैयारियां हमारी तरफ से मुकम्मल रहती हैं। बीएसएफ हर एक गतिविधि पर नजर रखती है। ये वॉच टावर पर नजर डालिए, ये वॉच टावर इसलिए है कि ताकि पाकिस्तान में कोई भी गतिविधि हो, कोई भी हलचल हो सीमा पर, बॉर्डर पर, ताकि हमारे जवान जो हैं वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं और यहाँ से हमारी टीम जो है नजर बनाए रखती है। इस वॉच टावर से दुश्मन की हर शैतानी की निगरानी होती है। बीएसएफ जवानों की चौकन्नी निगाहें हर वक्त फेंसिंग पर टिकी रहती हैं और उंगलियां ट्रिगर पर। इस वॉच टावर से पाकिस्तान का पूरा इलाका साफ साफ दिखता है। पाकिस्तान के गांवों के घर, पाक रेंजर्स की पोस्ट, पाकिस्तानी सेना के बंकर तक यहां से बीएसएफ जवान देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो अब आपको इलाका नजर आ रहा है, जो पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तानी इलाके में पड़ते हैं। हम एकदम यहाँ पर मौजूद हैं बॉर्डर लाइन पर, जीरो लाइन जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। जम्मू का ये इलाका है आरएसपुरा, और आपको याद होगा अभी लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में जी हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर पहुंची हुई। वॉच टावर में पाकिस्तान के इलाकों की पूरी जानकारी लिखी रहती है, गांवों के नाम से लेकर पाकिस्तानी पोस्ट का मैप भी होता है। वो देखिए पाकिस्तानी घर नजर आ रहा है इस वक्त, और ये जो हमारा मोर्चा है इसे माउंट कहते हैं। हमारे जवान दिन हो या रात हो पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं। वो बिल्कुल आखिरी वहां से फेंसिंग, वो तार जो है नजर आ रहा है, बिल्कुल फेंसिंग के पास वो हमारा माउंट बना हुआ है। वहां पर हमारे बहुत सारे जवान, हर जगह हमारे जवान जो है तैनात रहते हैं ताकि हम करारा जवाब दे सकें पाकिस्तानियों को, नापाक मंसूबे पालने वालों को, और उनके हर एक गतिविधि को हम मुंहतोड़ जवाब दे सकें, उनको विफल करार कर सकें। आसमानी वॉच टावर से नीचे उतर कर अब जमीन के नीचे बने बीएसएफ के बंकर के भीतर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पाकिस्तान जो है हम पर गतिविधि नजर रखता है। और यहां से हमारे जवान जो है करारा जवाब देते हैं। एलएमजी इनके हाथों में होता है, यानी कि लाइट मशीन गन, एमएमजी होता है मीडियम मशीन गन, एचएमजी हैवी मशीन गन, और ये जो देखिए हमारे साथ अभी जवान जो है ये बंदूक लिए हुए हैं मैगजीन के साथ, पूरी तरह से ये कंप्लीट है। डर नहीं लगता यहाँ? ना ना सर, डर बिल्कुल नहीं लगता सर। कौन सा ऐसा जज्बा है जिससे आपको डर नहीं लगता? हिम्मत है। वाह, हिम्मत है। हाँ। दुश्मन को कैसे जवाब देते हैं? करारा जवाब देते हैं। बॉर्डर पर तैनात इन जवानों को दबार पर घर की याद तो सताती है, लेकिन वतन की सलामती के लिए ये किसी भी कुर्बानी को तैयार है। बीएसएफ बंकर में मौजूद जवान विक्रम कुमार और केएम सिंह की दिलेरी देख दुश्मन थर थर कांपने लगा। परिवार की याद नहीं आती? आती है, मगर हम देश पहले, देश के एक देश पहले है। हमारे से डर पाकिस्तान को लगता है सर। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू आरएसपुरा, जी मीडिया के लिए। होली सरहद पर भी मनाई जा रही है, लेकिन वहां रंगों में बारूद की दुर्गंध है। बीएसएफ के जवान होली तो मना रहे हैं, लेकिन सरहद की निगहबानी में बगैर कोताही किए। घर परिवार अपनों से दूर पर्व के मौके पर भी किस कदर मुस्तैद हैं हिंदुस्तान के वीर सपूत, आइए देखिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी के हालात यहाँ हर वक्त बने रहते हैं। ग्राउंड जीरो पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की पोस्ट सिर्फ कुछ मीटर दूरी पर मौजूद है। यहीं से खूंखार आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में रहते हैं पाक रेंजर्स, लेकिन बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी आतंकियों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती है। भारतीय शूरवीरों की तनी संगीने पाक रेंजर्स की रोंगटे खड़ी कर देती हैं। दिन भर की थका देने वाली मेहनत के बाद जवान सीधे अपनी बैरकों में नहीं जाते। ड्यूटी के बाद खुद को चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए बीएसएफ के जवान वॉलीबॉल खेलते हैं।
पाकिस्तान पर नजर तो बनाए रखनी ही है और साथ ही खुद को दुरुस्त भी रखना है, फिट भी रखना है और बॉर्डर पर बहुत चुस्त और दुरुस्त रहने की दरकार होती है। जी हाँ, आपको देख सकते हैं तमाम जवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वॉलीबॉल इस वक्त खेल रहे हैं वो, ताकि दो चीजें एक साथ हो जाती हैं, एक तो इनका मनोरंजन, दूसरी चीज की फिटनेस। इसी बहाने ये फिट रखते हैं खुद को। शाम ढल रही है, उधर कुछ जवान खेल कूद रहे हैं, इधर इनके साथी रात की ड्यूटी पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दिन के वक्त जिप्सी पैदल पेट्रोलिंग करने वाले जवानों को रात में खास ख्याल रखना पड़ता है। बीएसएफ जवानों को रात में पेट्रोलिंग के लिए अत्याधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी में गश्त पर निकलना होता है। बॉर्डर पर देख सकते हैं किस तरह की, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सड़क नहीं होती, यहाँ पर जो है खेतों के जरिए बिल्कुल जो फेंसिंग है, फेंसिंग लाइन के करीब हम जा रहे हैं, बिल्कुल आसपास फेंसिंग है, हम झांक कर देख नहीं सकते क्योंकि हमारे जवान जो है वो निशाने पर रखे हुए हैं। हमारा मोर्चा नजर आ रहा है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये इंटरनेशनल इलाका है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस वक्त सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय को कहेंगे कि ये फेंसिंग दिखाएं, बिल्कुल इस फेंसिंग के बाहर जो है जो भी जमीन नजर आ रही है वो सरजमी पाकिस्तानी है। वो अंधेरी रात बड़े खतरे का पहर, इसलिए चौकसी और बढ़ा दी जाती है। जी हिंदुस्तान रिपोर्टर बीएसएफ जवानों के साथ आधी रात से ज्यादा वक्त तक सरहद पर पेट्रोलिंग करते रहे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कायराना करतूत नहीं हुई। बीएसएफ के बहादुरों के हौसले के आगे दुश्मन दुबके रहने में ही अपना खैर मानता है। बीएसएफ जवानों के साथ बॉर्डर पर होली मनाने के बाद अब हमारे वापस लौटने का वक्त हो चला था। आरएसपुरा जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरा पर्सन अजय के साथ आशुतोष चतुर्वेदी, जी मीडिया।